और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुशील जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बिहार में ये क्या हो रहा है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि बिहार में किसका राज है, सुशासन या जंगल राज? देखिए, नीतीश जी ने कल कहा कि जनता का राज है, तो क्या यही जनता का राज है? पिछले दो दिनों से पिरबहोर के इलाके के लोगों ने, जो राजद समर्थक हैं, पिरबहोर थाने को घेर रखा है, डीएसपी को गालियां दी, धमकी दी गई, एक अपराधी को छुड़ाकर भगा दिया और एक पुलिस कर्मी को इतना पीटा कि उसको पीएमसीएच में और भर्ती करना पड़ा, बद्दी बद्दी गालियां दी गई। और ये अनवर अहमद कौन है? ये राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के बड़े प्रिय पात्र, जिनको एक समय में कबाब मंत्री के नाम से जाना जाता था, उनके रसोई घर तक इनकी पहुंच थी और इसने राज्यपाल कोटे से उनको एमएलसी बनवा दिया था। और ये बिहार के अंदर अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, जिन पर यह आरोप है कि नोटबंदी के जमाने में लालू यादव और अन्य लोगों के काले धन को सफेद करने के आरोप में इन पर सीबीआई का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, 70 से ज्यादा खाते पकड़े गए, इनका बेटा जेल गया। तो ये तो वो लोग, इनकी हिम्मत है क्या पुलिस वालों की कि अनवर अहमद जो लालू जी का खासम खास है उस पर कोई हाथ भी उठा सके? ये हिम्मत है क्या? ये किसी में हिम्मत नहीं है। और देखिए, ये कार्तिकेय कुमार फरार हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये संतोष कुमार जो माइंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर और मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है, कहता कि हाईवे चढ़ा देंगे, हाईवा चढ़ा देंगे, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और नीतीश जी कहते कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता का राज है। तो क्या नीतीश जी यही जनता का राज है? अगर हिम्मत है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार कीजिए। देखिए, अब नीतीश जी कमजोर हो गए हैं, इनको दिल्ली आने और जाने के पहले लालू जी के गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाना पड़ता है। तो ये लालू जी का राज है, नीतीश जी का राज थोड़ी है। और इसलिए अपराधी अपने चरम पर है। मैं अभी गया जिले के इमामगंज में आया हुआ हूँ एक हत्या के मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। तो इसलिए देखिए, वो कानून का राज खत्म हो गया, अभी अपराधियों को सजा मिली हुई है लालू यादव की, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की। और नीतीश जी हिम्मत नहीं है कि वो उन पर कार्रवाई कर सके। अच्छा सुशील जी, चाहे सिवान हो, चाहे पटना हो, चाहे जितनी भी बड़ी घटनाएं इस वक्त बिहार में हो रही हो, पुलिस की जो हम बयान सुनते हैं उसमें साफ तौर पर दबाव महसूस किया जा सकता है। ये जो ताजा मामला पीरबहोर थाने का है, इसमें पुलिस बता भी रही है और संशय में भी नजर आ रही है, यानी कि साफ तौर पर जो दबाव है, जो डर है, वो देखने को मिल रहा है। ये किसका डर है पुलिस के ऊपर? देखिए, डर है लालू यादव का, क्योंकि 114 विधायकों के साथ वो इस सरकार को चला रहे हैं और इसलिए उनको मालूम है कि नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे, लालू जी अगर चाहेंगे तो बदली करा सकेंगे। और ये सारे लोग राजद से जुड़े हुए हैं। ये कार्तिकेय कुमार कौन है? राजद के विधायक। ये संतोष कुमार कौन है? ये रीतलाल यादव राजद के जो एमएलए उनके गुर्गे हैं। ये अनवर अहमद कौन है? ये राजद के पूर्व एमएलसी हैं। तो आप सारे घटनाओं को देखिए, और अभी सिवान में जो घटना घटी कि महावीरी जुलूस या कोई जुलूस निकल रहा था हिंदुओं का, उस पर जो हमला होता है और उसमें निरपराध हिंदुओं को पकड़ लिया जाता है, इसे देखिए पूरी तरह से लालू के गिरफ्त में नीतीश जी हैं। और अब तो उनके पास समय भी नहीं, वो आधा समय दिल्ली में बिता रहे हैं, आधे दर्जन मंत्रियों को लेकर दिल्ली में बैठे हुए थे, नेताओं से मिलकर चाय पानी कर रहे हैं। इसे देखिए बिहार का क्या होगा, ये अब उनकी उसकी उनको चिंता नहीं है, वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है, तभी बीजेपी जिस तरीके से राजशाही कर रही है, जिस तरीके से परेशान कर रही है, नफरत फैला रही है इस देश में, ये आरोप नीतीश कुमार का है, तो इसलिए विपक्ष को एकजुट करना जरूरी है और उसी मिशन में लगे हुए हैं, एक एक करके तमाम नेताओं से मिले हैं। देखिए, मिलने में क्या लगता है, किसी को टेलीफोन करेंगे कि मैं आना चाहता हूँ चाय पीने के लिए तो कोई मना करेगा क्या? तो मिलने में क्या लगता है, इसके पहले ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी है, केसीआर 6 राज्यों का दौरा कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा पंजाब दिल्ली में गठबंधन बना रहे हैं। ये क्या केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे क्या? क्या लेफ्ट और लेफ्ट और कांग्रेस को केरल में एक साथ बैठा पाएंगे क्या? तो देखिए, ये तो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, अब ये बाहर आ गए तो चर्चा में है, अखबारों में छप रहे हैं।
लेकिन बन रहा था, और उनको भी मालूम है कि वो इस जन्म में तो प्रधानमंत्री तो क्या, और मुझे तो डर है कि उनकी कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी भी न चली जाए। बार बार मुझे तो दया आती है नीतीश जी पर कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये मुख्यमंत्री की गद्दी भी न चली जाए। लेकिन सुशील मोदी जी, जैसा आप कह रहे हैं कि किसी से चाय पर मिलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में तो कम से कम देखने को मिला। आज ही हम पोस्टर देख रहे थे अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए नीतीश कुमार का, और बाकायदा सपा कार्यालय पर वो पोस्टर लगा हुआ था। तो नीतीश कुमार का क्या वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ था ना, उसको भी महागठबंधन का नाम दिया गया था, और कांग्रेस पीछे से मदद कर रही थी, और कितनी सीटें जीती बीजेपी, 64 सीट जीती हम लोग 75 के अंदर। तो देखिए, वोट ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों मायावती का वोट अखिलेश को ट्रांसफर नहीं हुआ और अखिलेश का वोट मायावती को ट्रांसफर नहीं हुआ? अब देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, मैं विधानसभा चुनाव की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में पहले तो चेहरा तय करे ना कि कौन उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, उनका नैरेटिव क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो जाए तो क्या इसी नाम पर जनता वोट दे देगी? क्या क्यों देगी जनता वोट? क्या ये चाहते हैं कि देश में कमजोर प्रधानमंत्री बने? ये देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल ऐसी कमजोर सरकार भी देश के अंदर बनाना चाहते हैं? तो देश उस दौर से पार कर चुका है, देश उस गठबंधन के दौर में और दोबारा नहीं जाने वाला। आप चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में लगातार यात्रा भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपराध यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब क्या भूमिका हम बीजेपी की यहाँ पर देखें, विपक्ष की भूमिका हम क्या देखें, क्योंकि बिहार में अपराध एक के बाद एक बढ़ रहा है, पुलिस की क्या हालत है ये भी तस्वीरों में उनके बयानों के जरिए देख पा रहा है पूरा देश। देखिए, विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जब तक साथ में थे, हम साथ में थे, 12 घंटा भी नहीं लगा कि हम विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। जहाँ कहीं घटना होती है वहाँ हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं, घटना को उजागर करते हैं, जनता को गुलबंद कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए पार्टनर बदलने का क्या परिणाम हुआ है, कि नीतीश कुमार ने अब राजद से दोस्ती कर लिया, उसका परिणाम बिहार भुगत रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।